दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, बिग बॉस में रहे सेलिब्रिटी रश्मि देसाई और उमर रियाज जल्दी ही एक बार फिर से अपने फैंस के सामने एक नई घोषणा करने जा रहे हैं। वो घोषणा किस तरीका की है, क्योंकि रश्मि देसाई अब इस समय उमर रियाज को डेट करती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि बात की जाए तो आपने देख ही लिया होगा कि बिग बॉस में उमर रियाज की जर्नी काफ़ी अच्छी रही थी। अगर वो रश्मि देसाई के लिए ना लड़ाई करते तो वो ही विनर होते। उन्होंने रश्मि देसाई के लिए प्रतीक सेजवाल से बहुत बड़ी फाइट की थी, जिसके बाद में सलमान खान ने वीकेंड के बार पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि उमर रियाज काफ़ी अच्छे सदस्य माने जाते हैं और उनकी सबसे ज़्यादा जो कि प्रतीक सेजवाल से फाइट हुई थी, जिसमें सलमान खान ने अपना एक फैसला सुनाते हुए प्रतीक सेजवाल की साइड ली और उमर रियाज को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालाँकि पब्लिक ने उमर रियाज को सपोर्ट करना बंद नहीं किया था, लेकिन बिग बॉस के मेकर्स उन्हें जो कि घर के अंदर ना ला पाए। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उमर रियाज अगर किसी के लिए वाकई में लड़ते नजर आए थे तो वो रश्मि देसाई और करण कुंद्रा, जो कि तेजस्वी प्रकाश के बॉयफ्रेंड हैं। तेजस्वी प्रकाश ने बिग बॉस 15 का खिताब अपने नाम किया था। ये बात सभी लोग जानते हैं कि तेजस्वी प्रकाश काफ़ी चालाक स्टार रही हैं और तेजस्वी प्रकाश की वजह से ही उमर रियाज इस घर से बाहर हुए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ साजिश तेजस्वी प्रकाश की भी रही हैं। लेकिन उमर रियाज के रिश्ते को अगर देखते हुए उन्होंने चाहे करण कुंद्रा हो, चाहे तेजस्वी प्रकाश हो, चाहे रश्मि देसाई हो, घर के हर सदस्य से जो रिश्ता था उन्होंने अपना रिश्ता पूरी तरीके से कायम रखा। और रश्मि देसाई बाहर निकलने के बाद में उन्होंने तुरंत ही अपना बयान जारी रखा। हालांकि स्टार्टिंग में रश्मि देसाई ने बोला था कि ऐसी अभी तक कोई भी खबर नहीं है कि मैं उमर रियाज को डेट करूंगी, लेकिन ये भी सिद्ध हो चुका है कि उमर रियाज को आज के समय में रश्मि देसाई डेट कर रही हैं और हो सकता है कि जल्दी ही इस साल के एंड तक दोनों ही शादी के बंधन में बन जाए। हालांकि उमर रियाज मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं और रश्मि देसाई हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कॉमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।